आज की मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से बैंक अलबिलाद में बहुत ही आसानी के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा क्रोम ब्राउज़र में। तो अब यहाँ पर आने के बाद आपको टाइप करना है बैंक अलबिलाद ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। तो अब यहाँ पर है बीकॉम अलबिलाद कस्टमर, तो इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर है रजिस्टर फॉर अलबिलाद नेट, तो इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप अपना इकामा नंबर डाल दें, फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दें, फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें। इकामा नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये तीनों डालने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर है रजिस्टर, तो इस पर क्लिक कर दें। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो वही ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करें। और यहाँ पर है प्राइवेट, तो इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर पोजीशन है, इस पर क्लिक करें। और आपके एकामे के ऊपर महीना क्या है आप उसको यहाँ पर डाल दें। यहाँ पर है टाइटल, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पर है मिस्टर, तो इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करें। और आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं उसको आप यहां से सिलेक्ट कर लें। अब यहां पर भी क्लिक करें। और आप कितना पढ़ाई किए हैं उसको आप यहां से सिलेक्ट कर लें। अब यहां कैलेंडर पर भी क्लिक करें। और ऊपर है हिजरी, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके जो है मैसेज ये सब अरबी में आएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो उसके लिए आपको नीचे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर है लैंग्वेज, तो इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करें। और यहाँ पर है विल्ला, तो इस पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर भी क्लिक करें। और यहाँ पर है रेंट, तो इस पर क्लिक कर दें। अब यहां पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दें। अब यहां पर आपको अपने होम कंट्री का एड्रेस डालना है, आप कौन सी कंट्री के हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप अपनी कंट्री यहां से सिलेक्ट कर लें। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहां पर सिटी भी डाल दें कि आप किस सिटी से हैं। फिर उसके बाद ये सब आपको डालना चाहे डाल सकते हैं, छोड़ना चाहे छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट, तो इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर ऊपर जाएं, यहाँ पर है एम्प्लॉयर, आप अपने कपिल या फिर अपने कंपनी का नेम यहाँ पर डाल दें। अब यहाँ पर है बिजनेस सेक्टर, आप क्या काम करते हैं उसको आप यहाँ पर डाल दें। अब यहाँ पर आपको अपने नेशनल एड्रेस में से देख करके यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास नेशनल एड्रेस नहीं है तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख करके अपना नेशनल एड्रेस बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ सिटी सिलेक्ट कर लें। ये सब कुछ आपके नेशनल एड्रेस में मिल जाएगा। ये सब डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। तो अब यहाँ पर ऊपर जाएं और यहाँ पर है सोर्स ऑफ इनकम, अब यहाँ से सैलरी पर क्लिक कर दें।
अब यहाँ पर भी क्लिक करें और आप सैलरी कैसे लेते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर आप हैंड टू हैंड लेते हैं तो फिर उसके लिए आपको कैश पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करें और पर्सनल पर क्लिक कर दें, फिर यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर है NA तो इस पर क्लिक कर दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। सॉरी, यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम बताना है कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। तो अब यहाँ पर ऊपर जाएं और यहाँ पर क्लिक करें, नो पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर भी क्लिक करें, नो पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर भी क्लिक करें और नो पर क्लिक कर दें। तो आप यहाँ से सब पर नो नो कर दें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर क्लिक करें, नो पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर भी क्लिक करें, नो पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर भी क्लिक करें, नो पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर भी क्लिक करें और यहाँ पर नो कर दें। यहाँ पर भी क्लिक करें, यहाँ पर भी नो कर दें। फिर यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, क्योंकि हम सऊदी से अपने मुल्क पैसा भेजना चाहते हैं इसलिए हमको यस कर देना है। फिर यहाँ पर है कि आप कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जितना आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर डाल दें। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट का अपने मर्जी से एक पिन डाल देना है। फिर वही पिन को नीचे कन्फर्म में डाल दें। फिर उसके बाद ओपन अकाउंट पर क्लिक कर दें। तो अब यहाँ पर है आई अग्री, तो इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दें। तो अब यह हमारा अकाउंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमको जाना है अफसर में। अफसर अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर है सर्विस, तो इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर है जनरल सर्विस, तो इस पर भी क्लिक कर दें। अब यहाँ पर है काबुल, तो इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर है व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, तो इस पर क्लिक कर दें। तो हमारा इसमें पहले से अकाउंट है इसलिए यहाँ पर सॉरी लिखा गया, लेकिन जब आप व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक अल बिलाद की तरफ से मैसेज आया होगा, उस मैसेज को आपको एक्सेप्ट कर देना है। जब आप एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही आप बहुत ही आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं बैंक अल बिलाद में। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।